सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक करने के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण को जयपुर जेडीए ने अब एक और नोटिस दिया है। सारण के अलावा जेडीए ने जिस बिल्डिंग में अधिगम कोचिंग सेंटर चल रहा था उस भवन के मालिक अनिल अग्रवाल को भी नोटिस भेजा है। दोनों को करीब 28 लाख रुपए का बिल थमाया है। दोनों से बिल्डिंग तोड़ने पर हुए खर्च की राशि देने के लिए कहा है। खर्च की राशि 7 दिन में जमा करवानी होगी। पैसा जमा नहीं करवाने पर जेडीए ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। जेडीए के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक रघुवीर सैनी ने बताया कि जेडीए एक्ट में प्रावधान है कि अगर कोई अवैध निर्माण जेडीए की ओर से हटाया जाता है तो उसे हटाने पर खर्च होने वाली राशि अवैध निर्माणकर्ता से वसूली जाए। इसी के तहत ये नोटिस जारी किए गए हैं। जेडीए ने 13 जनवरी को भूपेंद्र सारण के अजमेर रोड रजनी विहार स्थित मकान को तोड़ने की कार्रवाई की थी। उसका मलबा हटाया गया। इसके तहत 3 दिन चली कार्रवाई के दौरान तमाम लेबर मशीनरी और जाब्ते में तैनात हुए तमाम अधिकारियों कर्मचारियों के वेतनमान को जोड़कर 19,11,355 रुपये का खर्चा आया। इस राशि को जमा करवाने के लिए अब जेडीए ने भूपेंद्र सारण और उसके भाई गोपाल सारण के नाम नोटिस जारी किया है। इधर गुर्जर की थड़ी पर अधिगम कोचिंग की बिल्डिंग पर भी बुलडोजर चला था। उस पर हुए खर्च का पैसा वसूलने के लिए जेडीए ने बिल्डिंग मालिक अनिल अग्रवाल को नोटिस थमाया है। इस बिल्डिंग को गिराने और यहां से मलबा हटाने पर जेडीए का करीब 9,23,905 रुपये का खर्चा आया है। इसका बिल बनाकर जेडीए ने अग्रवाल को भिजवाया है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।